बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब से ऐलान किया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, उसके बाद से सिर्फ एक ही न्यूज चल रही थी कि जब तमाम फ्लाइट्स अपना फ्लाइट स्केड्यूल जमा करवा देंगी तो उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगी, लेकिन इस हवाले से एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई थी। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम एयरलाइंस का फ्लाइट स्केड्यूल जारी कर दिया है और जून के महीने का जो लास्ट वीक है इसमें किस मुल्क से कितनी फ्लाइट्स पाकिस्तान आएंगी और किस किस एयरपोर्ट पर उतरेंगी मुकम्मल तफसीलात शेयर कर दी है, वो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान एयरपोर्ट की, तो 23 जून से लेकर 30 जून तक मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाई दुबई एयरलाइन जो कि दुबई से आएगी, ट्यूजडे को फ्लाई दुबई दुबई से आएगी पाकिस्तान मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्राइडे को, और फ्लाई दुबई सैटरडे को आएगी। शारजा से एयर अरेबिया मुल्तान एयरपोर्ट पर आएगी सैटरडे को। सियालकोट एयरपोर्ट की बात करें तो सियालकोट एयरपोर्ट पर दो परवाजें आएंगी, ट्यूजडे शारजा से एयर अरेबिया आएगी सियालकोट एयरपोर्ट पर और फ्राइडे शारजा एयरपोर्ट से एयर अरेबिया सियालकोट एयरपोर्ट पर आएगी। अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कौन कौन सी परवाजें पाकिस्तान में आएंगी, तो कतर एयरवेज दोहा एयरपोर्ट से ट्यूसडे को आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से वेनसडे को आएगी, एमरेट्स दुबई से वेनसडे को आएगी, फ्लाई दुबई दुबई एयरपोर्ट से वेनसडे को आएगी, कतर एयरवेज दोहा से थर्सडे को आएगी, फ्लाई दुबई दुबई एयरपोर्ट से थर्सडे को आएगी, एमरेट्स दुबई एयरपोर्ट से फ्राइडे को आएगी, एयर चाइना, चाइना वाले काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे तो चाइना की भी फ्लाइट है, एयर चाइना बीजिंग से फ्राइडे को पाकिस्तान आएगी। इसी तरीके के साथ कतर एयरवेज दोहा एयरपोर्ट से सैटरडे को आएगी, एयर अरेबिया शारजा एयरपोर्ट से सैटरडे को इस्लामाबाद आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी एयरपोर्ट से संडे को आएगी, कतर एयरवेज दोहा एयरपोर्ट से संडे को आएगी, जबकि एमिरेट्स एयरलाइन दुबई से संडे को पाकिस्तान आएगी, फ्लाई दुबई दुबई एयरपोर्ट से संडे को आएगी। ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का डाटा, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेनसडे और जो डाटा शेयर किया गया वो लिखा है 25 से 30 जून तक। अगर हम कैलेंडर ओपन करके चेक करें तो वेनसडे 24 को आता है या यकम को आता है, 25 से 30 के दरमियान तो वेनसडे नहीं आता, तो ये जुल्फी बुखारी या उनकी जो टीम है उनसे लिखते हुए यहाँ पर गलती हुई है, डे प्रॉपरली उन्होंने मेंशन नहीं किया, वरना जो वेनसडे यहाँ पर 3 दिन वेनसडे के मेंशन किए गए हैं, वेनसडे या 24 जून को आएगा या 1 जुलाई को आएगा। नेक्स्ट एयरपोर्ट की बात करें तो हम बात करेंगे फैसलाबाद एयरपोर्ट की, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर दो परवाजें आएंगी, एयर अरेबिया की दोनों परवाजें आएंगी, एक शारजा एयरपोर्ट से आएगी फैसलाबाद एयरपोर्ट पर और दूसरी शारजा एयरपोर्ट से भी फैसलाबाद एयरपोर्ट पर आएगी, एक थर्सडे को आएगी और एक संडे को आएगी। पेशावर एयरपोर्ट की बात करें तो दोहा से कतर एयरवेज मंडे को आएगी, जबकि शारजा से एयर अरेबिया वेनसडे को आएगी। ये पेशावर एयरपोर्ट की बात होगी। अब हम चलते हैं कराची एयरपोर्ट की तरफ, फिर उसके बाद हम आपको लाहौर एयरपोर्ट का बताएंगे। फ्लाई दुबई दुबई एयरपोर्ट से ट्यूजडे को आएगी कराची एयरपोर्ट पर, एमरेट्स दोहा से ट्यूजडे को आएगी, कतर एयरवेज दुबई से ट्यूजडे को पाकिस्तान आएगी, एयर अरेबिया शारजा से ट्यूसडे को कराची आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से वेनसडे को कराची आएगी, इराकी एयरवेज नजफ से थर्सडे को आएगी, एमरेट्स दुबई से थर्सडे को आएगी, कतर एयरवेज दोहा से थर्सडे को आएगी, ईरान एयरवेज तेहरान से थर्सडे को आएगी, फ्लाई दुबई दुबई से थर्सडे को आएगी, एयर अरेबिया शारजा से फ्राइडे को आएगी, एमरेट्स दुबई से फ्राइडे को आएगी, एयर चाइना चाइना की एक और परवाज फ्राइडे को आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से सैटरडे को आएगी, कतर एयरवेज दोहा से सैटरडे को आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से संडे को आएगी, इराकी एयरवेज नजफ से संडे को आएगी, एमरेट्स दुबई से संडे को आएगी। अब हम चलते हैं लाहौर एयरपोर्ट की तरफ और काफी ज्यादा परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी आने वाले 5 दिन के अंदर। कतर एयरवेज दोहा एयरपोर्ट से ट्यूसडे को आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से ट्यूसडे को आएगी, फ्लाई दुबई दुबई एयरपोर्ट से लाहौर आएगी ट्यूसडे को, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से आएगी वेनसडे को, एयर अरेबिया शारजा से लाहौर आएगी वेनसडे को, कतर एयरवेज दोहा से थर्सडे को आएगी, फ्लाई दुबई दुबई एयरपोर्ट से थर्सडे को आएगी, मलिंडो एयर
कुआलालंपुर मलेशिया। मलेशिया वाले दोस्त काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे, तो मलेशिया से भी ये परवाज है जो कि थर्सडे को आएगी। एमिरेट्स दुबई से थर्सडे को आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से थर्सडे को आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से फ्राइडे को आएगी। इसी तरीके के साथ इतिहाद एयरवेज अबूजबी से सैटरडे को लाहौर एयरपोर्ट पर आएगी, एमिरेट्स दुबई से सैटरडे को आएगी, उज्बेकिस्तान एयरलाइन ताशकंद से सैटरडे को आएगी, कतर एयरवेज दोहा से सैटरडे को आएगी, फ्लाई दुबई दुबई एयरपोर्ट से सैटरडे को आएगी, इतिहाद एयरवेज अबूजबी से संडे को आएगी, कतर एयरवेज दोहा से संडे को आएगी, एमिरेट्स दुबई से संडे को आएगी, एयर अरेबिया शारजा से संडे को आएगी, मलिंडो एयर कुआलालंपुर मलेशिया से ये परवाज आएगी संडे को लाहौर में। तो काफी ज्यादा ममालिक को यहाँ पर ऐड किया गया। एक बार फिर आपको बताते चले, यहाँ पर भी दो परवाजें वेनसडे का नाम लिखा गया है। तो वेनसडे एक बार आपको पहले बताया है कि 25 जून से लेकर 30 जून तक वेनसडे नहीं आता, तो डे लिखते हुए जुल्फी बहारी और उनकी टीम है उनसे यहाँ पर गलती हुई है, इस चीज को वो करेक्ट करें और जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको एग्जैक्ट डाटा शेयर करें। तो इंशाल्लाह ये काफी ज्यादा फ्लाइट्स हैं इनको ऐड किया गया है। पीआईए को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया क्योंकि पीआईए इस वक्त मसरूफ है, यूएई और सऊदीया से जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज है उनको लाने के लिए ज्यादा परवाजें वहां पे रखी गई हैं, इस वजह से बाकी ममालिक में पीआईए को अभी नहीं भेजा गया है। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते पीआईए को भी बाकी ममालिक के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल ये एयरलाइंस हैं, तो टिकट के लिए आप इन एयरलाइन की हेल्पलाइन है वहां पर कॉल करके मालूमात उनसे ले सकते हैं। हमें जो भी मालूमात मिली वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।